रिलेटेड है राजस्थान रॉयल्स से। एक बड़ा ब्लो लगा है उनको, बेंजामिन स्टोक्स उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट सितारे हो गए हैं आईपीएल 2021 से बाहर। सस्पेक्टेड है कि ब्रोकन हैंड की वजह से, जो उनने क्रिस गेल का कैच लिया था राहुल तेवातिया की गेंद पे, उसकी वजह से उनको बाहर होना पड़ा है। एक तो बहुत अच्छा जेस्चर उनके द्वारा, बाहर होने के बावजूद पूरे टाइम टीम के साथ रहेंगे 2021 के आईपीएल में फाइनल गेम तक। पर कितना बड़ा ब्लो राजस्थान रॉयल्स को लगा है, और क्या लग रहा है कौन आएंगे उनके रिप्लेसमेंट? काफी बड़ा ब्लो है ना, बेन स्टोक्स आई थिंक बॉलिंग एंड बैटिंग में एंड फील्डिंग सब तीनों में एक टीम को एंड बना के रखते हैं। एंड जॉस बटलर आई थिंक काफी उसका सहारा है, बेन स्टोक्स भी ऊपर भी दोनों अच्छे टीममेट्स हैं। सो काफी आई थिंक राजस्थान रॉयल्स पे बेन स्टोक्स के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो वो अभी वो होप करते हैं दैट वो मे बी प्ले ऑफ में जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच होंगे मे बी ECB जे राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में चल जाए पॉसिबली हम देख पाएंगे बेन स्टोक्स को IPL में। नहीं, बेन स्टोक्स को आने वाली सीरीज में भी देख सकते क्योंकि पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, तो ही विल नॉट बी एबल टू प्ले IPL। 30 मई तक भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए वो भी अच्छा आई थिंक आपका सवाल है। जोफ्रा आर्चर वापस आएंगे एंड उससे क्या ऑलराउंडर की जरूरत है, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की एंड आई थिंक अब जब हम देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम को, वो ऐसे लगते हैं जैसे जब बेन स्टोक्स खेलता है ना, बैटिंग में ज्यादा स्पेशलिस्ट है राजस्थान रॉयल के लिए देन बॉलिंग। बॉलिंग तो जैसे बोनस होती है सो आई थिंक कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही होगा मेरे हिसाब से वो लेके आएंगे। एंड कौन लेके आना चाहिए वो भी आपका अच्छा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ लेके आना चाहिए एक बैट्समैन है, बहुत अच्छा कमाल का बैट्समैन बिग बैश में खेला है, वो है बेन मैकडरमॉट। छक्का भी जब मारता है, हाँ आपने सुना होगा सबसे ज्यादा छक्के वो ही मारता है, उसको वो अच्छा एडिशन होगा, एक्साइटिंग है, किसी ने उसको देखा नहीं कैसे वो खेलता है, पर जब मारता है बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है उसकी। पर उड़ती हुई खबर तो ये भी आ रही है कि एलेक्स हेल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, एलेक्स हेल्स भी एक अच्छा खिलाड़ी है, वो भी आई थिंक अच्छा रिप्लेसमेंट होएगा बिकॉज बेन स्टोक्स के लिए एंड ओपनिंग बैटिंग अच्छी करता है एंड एक और है अपॉर्चुनिटी उसको भी मिल सकती है T20 स्क्वाड में वापस आने के लिए इंग्लैंड के लिए। बट अभी डाउट्स काफी है ओवन मॉर्गन, बिकॉज वो नहीं चाहता किसका एक परोसे की बात होती है ना, कितना वो परोसा करता है एलेक्स हेल्स के ऊपर। बिहेव भी अच्छा है उसका होएगा जब इंग्लैंड टीम में आगे एक दो गेमों में अच्छा परफॉर्म किया टीम का, एक टीम को बनाना कितनी मेहनत लगती है कैप्टन के लिए। सो आई थिंक इंडिविजुअली बिग बैश में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सो अपॉर्चुनिटी आई थिंक IPL में उसके भी नाम आई थिंक लोग सोचेंगे। चलिए, बड़ा मजा आने वाला है, अनफॉर्चुनेट फॉर बेंजामिन स्टोक्स ऑफ कोर्स, पर राजस्थान रॉयल्स का एक बड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही जल्दी ढूंढेंगे रिप्लेसमेंट क्योंकि बेंजामिन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट काफी जरूरी। देखने में इंटरेस्ट आएगा वो कौन होता है। पाजी की तरफ से बेन मैकडरमॉट एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, एलेक्स हेल्स पे भी काफी निगाहें रहने वाली हैं।